हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले युवाओं को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा सम्मानित किया गया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के 5 युवाओं को सम्मानित किया है, जिसमें जिला कुल्लू युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष रोहित महाजन भी शामिल रही हैं। सम्मानित होने वाले युवाओं के द्वारा कोरोना काल में जनता के बीच जाकर बेहतरीन कार्य किया गया था। सम्मान पाने वालों में जिला कुल्लू युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष रोहित महाजन भी शामिल रहे। रोहित महाजन ने बताया कि बीते 6 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने हिमाचल युवा कांग्रेस के सदस्यों के साथ मुलाकात की और प्रदेश के युवा कांग्रेस के 5 सदस्यों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। रोहित महाजन ने बताया कि कोरोना काल में उनकी टीम ने मनाली विधानसभा क्षेत्र और जिला कुल्लू में सैनिटाइजर और मास्क तथा अन्य जरूरत का सामान जरूरतमंद लोगों को मुहैया करवाया था। कांग्रेस पार्टी ने सम्मान के लिए हिमाचल से 5 युवा साथियों का चयन किया था। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें व अन्य युवाओं को राहुल गांधी तथा युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवीजी और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलावरू के द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में भी वे अपनी टीम के साथ मिलकर जनता की सेवा के लिए कार्य करते रहेंगे। हमने जो है कोरोना की जब दूसरी लहर चल रही थी देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर, उस समय हमने युवा कांग्रेस के जो हमारे साथी थे, हमने सब ने मिलकर एक मुहिम चलाई थी, जो हमने मनाली के अंदर और पूरे जिला कुल्लू के अंदर हमने ये शुरू किया था कि हमने एक मास्क डिस्ट्रीब्यूशन और सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन की ड्राइव हमने यहाँ पर शुरू की थी, जो कि हमने शुरू किया था मनाली से और मनाली गाँव से। उसके बाद हमने बहुत सारी पंचायतें मनाली की इसमें कवर की थी। वहाँ पर हमारे जो पंचायत के प्रधान थे उनसे हम मिले थे, हमने उनके पास मास्क दिए थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कुछ हमने खुद भी जो है डोर टू डोर जाके मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए, और साथ में जिनको जहाँ पर सैनिटाइज़र की ज़रूरत थी हमने सैनिटाइज़र भी लोगों को उपलब्ध करवाए। हमने खुद अपने पीठ पर उठाकर जो है सैनिटाइज़ भी लोगों की गाँव के गाँव जो है उनकी गलियों को हमने सैनिटाइज़ किया था, जिसके लिए हिमाचल से 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिन 5 लोगों में से मुझे भी जो है वहाँ पर राहुल गांधी जी और हमारे जो प्रदेश के जो हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास जी और कृष्णा अलवारू जी द्वारा सम्मानित किया गया, जिसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी अमनप्रीत लाली जी का, और जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा और मेरा नाम जो है हिमाचल से उन्होंने रेकमेंड किया। अमनप्रीत लाली जी का मेरे लिए ये बहुत बड़ा उन्होंने योगदान है। और साथ में दामन वाजपा जी जो कि हमारी सह प्रभारी हैं, फिर हमारे कार्यकारी अध्यक्ष थे यदोपति ठाकुर जी, प्रदेशाध्यक्ष हमारे निगम भंडारी जी, और हमारे कुल्लू के प्रभारी भी जो हैं अंकुश जी, उन्होंने भी हमारी रिपोर्ट यहाँ से बना के भेजी थी। तो एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस था, काफ़ी लंबा समय इसमें लग गया। हमने जो है मैं समझता हूँ कि 40,000 मास्क जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मैं समझता हूँ आज के दिन में और इस मुहिम को चलाने के लिए जो है विक्रमादित्य सिंह जो हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे युवा कांग्रेस के, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया था कि आप जो है कोरोना काल में लोगों के बीच में जाएं, आप लोगों के बीच में काम करें और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुने, और जो अगर हमें कोई तकलीफ आती है तो आप उनका भी हमें जो है उसमें पूरा समर्थन था। वैसे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनाली जो है हमारे साथ थी और हमने सब ने मिलकर जो है इस कार्य को पूर्ण किया। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।